आज जो रेसिपी लेके मैं आपके सामने हाजिर हो रही हूँ ये है रवां की रेसिपी। रवां को कुछ लोग फलियाँ भी कहते हैं और कुछ लोग इसे रवां ही कहते हैं। इसको तड़के वाले रवां भी बनते हैं, मसाले वाले रवां भी बनते हैं। मैं आज आपको मसाले वाले रवां के सालन की रेसिपी बना के दिखाऊंगी। चलिए तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अभी वो रवां बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, रवां सबसे पहले मैंने इसे 4 घंटे तकरीबन भिगोया है, हाफ के जी रवां है। और फिर इसके बाद मैंने इसे बॉयल करके इसका पानी निकाल दिया। प्याज लिए हैं मैंने 2 बड़े साइज़ के, इन्हें बारीक काट लिया है। लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, सौंफ और मेथी दाना ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून, ये दोनों चीज़ें ली हैं। साथ साथ मिर्चें ली हैं मैंने, ये तकरीबन 4 हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर की प्योरी 2 टमाटर लिए हैं मैंने बड़े साइज। ऑयल मैंने डाला था पैन में, फिर इसमें जीरा सौंफ मेथी मेथी दाना और साथ प्याज ऐड कर दी है। इसमें अब हमने प्याज ऐड कर दिए हैं और इन्हें हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कर, प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, इसे भी अच्छे से हम सौते कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटर की प्योरी, मैं ऐड कर दूंगी नमक 1 टेबल स्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और साथ ही ग्रीन चिली। अब हम इसमें ये रवां या फलियां जो भी आप इसे कहते हैं इसमें ऐड कर देंगे। ऑलरेडी बॉयल भी किया है, सोक करके भी रखा था, तो ये टेंडर तो हो चुकी है। ये थोड़ी सी स्पाइसी ही बनती है, वरना तो ये बहुत ही फीकी लगती है, तो इसलिए मैंने स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा ऐड किए हैं। अच्छे से भून लिया है, अब इसमें मैं 1 कप पानी डाल दूंगी। चम्मच अचार गोश्त मसाला जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट, टेस्ट इसका थोड़ा सा अच्छा हो जाए। टेस्ट इसका वैसे भी काफ़ी अच्छा होता है, आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है, आप इसे डालें या ना डालें। और इसे हम दम पे ठहरा देंगे, बाकी अब ये मज़ीद जितना भी पकना है ये दम पे हल्की आंच पे पकेगा, सारे मसाले इसके अंदर बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएंगे। 10 मिनट्स के लिए इसे हम हल्की आंच पे ठहरा देंगे। पन ये हमारा रेडी है, ये मैंने लीमू कुछ फ्रीज करके रखे हुए थे जूस निकाल के, अंदर एंड में इसमें लीमू डाल देंगे हम। एंड पे ऐड करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। गरम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लीमू भी हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। ये तो सालन हम डिश आउट कर रहे हैं। ये इसमें मैं एंड पे देसी घी डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है कि इनिशियली मैंने घी का ऑयल कम डाला था कि एट द एंड मैं सालन पे देसी घी ऐड कर देती हूँ। और गार्निशिंग के लिए मैं ये अदरक डाल दूँगी। जी तो व्यूवर्स, रवां का सालन हमारा रेडी है। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल आई कुकिट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी और रेसिपी से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।